दोस्तों, मैं गुड्डी हमारे रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का शरबत। उसके लिए मैंने बेल ले लिया है और इसको हम पहले चटका लेंगे। ये हम इसको इस तरह से किसी पत्थर पे या ईंटे पे, ये देखिए ये चटक चुका है। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे अच्छे से। इसको ओपन करके चम्मच की हेल्प से हम इसका पल्प निकालेंगे। ये मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। अब इसमें चीनी ऐड करूंगी। ये छोटा बेल का फल था तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब में चीनी ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें। बेल का शरबत गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, पेट को भी ठंडा करता है और हाजमा भी इससे अच्छा रहता है। इसे ज़रूर बनाएं आप घर में। इसको मैं अच्छे से डिप कर दूंगी पानी में और 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटा पूरा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। आपके पास अगर मैशर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं इसे चम्मच से ही अच्छे से मैश कर लूंगी। इसको 5 से 7 मिनट लग जाएगा मैश करने में अच्छे से। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। आपके पास बड़ी छन्नी है उसे छान लीजिए। उसके बाद इसके बीज बाहर करने हैं। आप इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करिएगा, इसके बीज से कड़वापन हो जाएगा। इसे जब भी मैश करना है तो या हाथ मैशर से हल्का हल्का और या चम्मच से। चम्मच से जितना मिक्स हुआ उसके बाद थोड़ा मैंने हाथ से भी अच्छे से मैश कर लिया इसको। और उसके बाद अब हम इसे छान लेंगे। इसको मैश करते वक्त मैंने इसमें 1 गिलास ठंडा पानी भी यूज़ किया है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे। इस तरह से मैं ऐसे छन्नी ले लूँगी। आपके पास बड़ा वाला छन्नी है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए, पर मेरा इसमें भी बहुत अच्छा निकल जाता है। मैं इसकी हेल्प से ये देखिए आराम से, ये देखिए सारे बीज ये निकल गए और हमारा शरबत तैयार है। आप चाहे तो शरबत में थोड़ा सा काला नमक, नींबू और जीरा भी ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कई लोगों को मीठा पसंद है तो आप जैसे चाहे आप इसे वैसे पी सकते हैं। हम इसे फेंक देंगे। ये देखिए मेरा बेल का शरबत बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पे बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं, आप खुद भी इंजॉय करें इसको। इससे पेट भी ठंडा रहता है और गर्मियों में लू से भी बचाव होता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।